गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 9 चैप्टर 4 क्लाइमेट पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको वेदर सीज़न में फ़र्क समझाया था, ये भी बताया था कि सेम एरिया में होने के बावजूद भी क्यों अलग अलग सीज़न होता है, या कहीं पे ठंडी ज़्यादा क्यों होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा क्यों होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश कहीं पे कम बारिश, दिन के टाइम गर्मी रहती है और रात के टाइम ठंड हो जाती है। ठीक है, सेम डे पे हमने बहुत सारी चीज़ें इधर पे देखी थी, इधर देखी थी और पिछले पेज में देखी थी। अब हम ये सब देखेंगे, ये सब होता क्यों है, कुछ कारण होगा इसके पीछे। जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल्स में यहाँ पे हमने कुछ देखा था, यहाँ पर हमने देखा था ये जो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे कि थार डेजर्ट में डे में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अंडमान निकोबार आइलैंड और केरल में बहुत ही हार्डली कमी डिफरेंस होता है, डिफरेंस सुबह और शाम में 20 और 21, बस ज़्यादा में ज़्यादा इतना ही चेंज आएगा। तो कहीं पर कम चेंज, कहीं पर सेम जगह पर ज़्यादा चेंज डे और नाइट में, कहीं पर डे में ही मध्य प्रदेश में चेंज और आंध्र प्रदेश में अलग चेंज, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं। इन चेंजेस के पीछे कुछ रीज़न है, क्यों ऐसा सब कुछ होता है ये हम अब देखेंगे इस पार्ट में। ये सब चेंजेस के कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं, लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। अब ये सब क्या है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। इन सब कारणों की वजह से हो सकता है सेम लेटीट्यूड सेम जगह पर होने के बावजूद अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे इंडिया में मुंबई और दिल्ली, दोनों इंडिया में स्टिल दोनों के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है। ठीक है, कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर रेनफॉल कम हो रहा है, कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, सुबह अच्छी खासी धूप है, धूप तो है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर रात में बहुत ठंड पड़ रही है। तो एक इस सब के पीछे कारण है, वो क्या कारण है अब हम पढ़ेंगे। रीज़न नंबर 1, लेटीट्यूड। ये लेटीट्यूड, ये अर्थ, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है ये। लेटीट्यूड मतलब वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लॉन्गिट्यूड मतलब जो लाइंस वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब क्योंकि देखिए ऐसा, ये ऊपर है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये 90 डिग्री, अर्थ क्या है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब झुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टर्न लग रहा है। ये है लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स से वर्टिकल लाइन होती है। अब इधर पे देखते हैं सन रेज जो हैं, सन रेज अर्थ पर बीचों बीच साइड ज़्यादा पड़ती है। कारण बीचों बीच साइड ज़्यादा पड़ने का, क्योंकि ये एरिया जो है पास है, सन रेज पूरी से फैल रही हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में सन रेज का जो इफ़ेक्ट है वो कम है बजाय यहाँ पर। अब जैसे आप आग के पास खड़े रहोगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, दूर खड़े रहोगे तो वो आग का जो ताप है, हीट है, कम आएगी। तो इक्वेटर इस पोर्शन साइड होता क्या है, इस पोर्शन साइड हीट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सन से सनरेज उस पर डायरेक्ट पड़ती है, बजाय यहाँ के, यहाँ भी पड़ती हैं सनरेज पर उतनी हीट नहीं पहुँचती। एक ये कारण है, जिसकी वजह से क्या है, बीचों बीच जो एरिया है, बीचों बीच जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल साइड गर्मी इतनी नहीं होती है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इन अफ्रीका सनरेज डायरेक्टली फॉल ऑन इट बिकॉज इट इज़ ऑन द इक्वेटर एंड इंडिया इज़ अबव द इक्वेटर। ये इक्वेटर है, तो इंडिया जो है ना इक्वेटर पे टच नहीं है, इक्वेटर से काफ़ी ऊपर है, इस साइड है, पर जो अफ्रीका है ना वो इक्वेटर पे लाए कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है सनरेज डायरेक्ट इस पे फॉल करती है। इंडिया पे भी फॉल करती हैं, पर इंडिया के यहाँ तक आती हैं, क्योंकि इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर साइड है इक्वेटर से, लेकिन जो अफ्रीका है वो एकदम बीचों बीच है, वहाँ पर सनरेज का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। हम तक भी सनरेज पहुँचती हैं, लेकिन हम थोड़ी सनरेज से दूर हैं बजाय अफ्रीका के, जिसकी वजह से क्या है कि अफ्रीका में आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग भी काले होते हैं, कारण धूप वहाँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है इस वजह से। ठीक है, तो इंडिया इज़ अबव द इक्वेटर एंड अफ्रीका इज़ ऑन द इक्वेटर। अब यहाँ पे एक मैंने बोला, ऑन पोल्स सनरेज आर लेस इफेक्टिव। लेस इफेक्टिव क्यों, क्योंकि वो पोर्शन दूर पड़ जाता है थोड़ा, इस वजह से। रशिया इज़ एट हायर लेटीट्यूड्स, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट। रशिया नॉर्थ पोल साइड है, इधर पे है, ठीक है, टॉप साइड, आप इसका वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन कहाँ है। एरियाज विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप लेटीट्यूड्स, लेटीट्यूड्स मतलब ये पोर्शन हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटीट्यूड्स जो एरियाज टॉप लेटीट्यूड्स पे होते हैं उनसे होता क्या है कि ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वीक सोलर इंसुलेशन होता है। वी ऑब्जर्व्ड
ऑब्जर्व वीक सोलर इंसुलेशन। अब जैसे जो ऊपर एरियाज रहते हैं, मतलब जो ठंडे होते हैं, ठंडे एरियाज जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पहुँचती, ठीक है, तो वैसे उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कि उनको बोला जाता है मॉडरेट टेम्परेट कोल्ड फ्रिजिड टेम्परेचर एट पोल्स। यहाँ पे कैसा टेम्परेचर होता है, पोल्स या इक्वेटर के अपर साइड या डाउनवर्ड साइड, टेम्परेट या कोल्ड, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा नहीं पहुँचती। पर जो मॉडरेट जो इक्वेटर पे होता है, ठीक है, उनको बोला जाता है वैसे क्लाइमेट को ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्यों, ये होता है टेम्परेचर एट इक्वेटर, यहाँ पे क्या है गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, ठीक है। अंटार्कटिका साउथ पोल पे है, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा पेंगुइन्स रहते हैं, ठीक है, पेंगुइन्स बर्फीले एरिया में रहते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की वजह से क्यों फ़र्क पड़ता है कि किसकी लोकेशन ऊपर है किसकी लोकेशन नीचे है, कौन सा अपर लैटिट्यूड पे कौन सा लोअर लैटिट्यूड पे, जो मिडिल वाले लैटिट्यूड पे रहेगा वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। रीज़न नंबर वन इज़ ओवर। रीज़न नंबर टू क्या है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है वो हम देखेंगे। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड देखिए, आपने लैटिट्यूड पता है, अर्थ को एक 3D फिगर एज्यूम कीजिए, 3D समझिए बॉल, अर्थ 2D नहीं होता, 3D फिगर होता है एक बॉल जैसा, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है ऐसी लाइंस कैसी होती हैं, लैटिट्यूड, और ऐसी लाइंस कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूड ये होती हैं और लैटिट्यूड्स ऐसी, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट, लॉन्गिट्यूड्स टॉप टू बॉटम। अब होता क्या है, हम अर्थ के ऊपर एक जैसे बिल्डिंग खड़ी है एग्जांपल, तो वैसा आप एज्यूम कीजिएगा, जैसे सी लेवल है, सी लेवल से हम क्या है थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना 100 मीटर तो ठंड बढ़ेगी, फिर ऊपर और ऊपर जाएंगे तो ठंड और बढ़ेगी, इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन कैसा, जितना आप ज़मीन से ऊपर जाओगे ना, ठीक है, उतनी ही ठंड बढ़ेगी, उसके पीछे कारण है मैं बता रहा हूँ, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप, हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा। अब देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अर्थ है, आप एक अर्थ एज्यूम कीजिए, एक बॉल एज्यूम कीजिए, उसके ऊपर एग्जांपल यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, एट 30 डिग्री लैटिट्यूड्स देयर इज हिमालयस एंड एट 30 डिग्री लैटिट्यूड देयर इज ईरान ऑल्सो। ईरान एक कंट्री है, लेफ्ट साइड है इंडिया के, लेफ्ट साइड पे। अब इंडिया है तो इंडिया के ये मैंने इंडिया बनाया, ठीक है, इस साइड पे इंडिया के हिमालयस हैं, ठीक है, हिमालयस माउंटेन ठंडे होते हैं। अब इसी लैटिट्यूड पे यहाँ पे ईरान है, ठीक है, ईरान है। अब ये जो लैटिट्यूड से इस पे ऐसे हिमालयस खड़े हैं। अब एल्टीट्यूड जो है ना, एल्टीट्यूड हाइट होता है, ठीक है, हाइट ये है लैटिट्यूड्स, ये है लॉन्गिट्यूड्स, पृथ्वी पे बने हुए हैं और पृथ्वी के ऊपर ऐसे आप देखें ये खड़ा है, कौन खड़ा है, एक ईरान आपको दिख रहा है और एक हिमालयस दिख रहे हैं सेम लैटिट्यूड पे। अब होगा क्या, सेम लैटिट्यूड पे ईरान भी और हिमालयस भी, हिमालयस एकदम ठंडे और जो ईरान है वहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है, क्यों, क्योंकि रेत है वहाँ पे। अब हिमालयस है बहुत ठंडे हैं पर ईरान जस्ट अपोजिट सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद, कारण क्या है, कारण ये है कि जो हिमालयस है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत ज़्यादा है। अब खुद सोच के देखिए, एक कोई छोटा पर्सन है, एक अगर 5 साल का बच्चा है, वो अगर 5 साल के बच्चे से लड़ रहा है तो वो जो 5 साल का पर्सन ए है 5 साल के बी को तो गिरा देगा, हरा देगा, पर उस 5 साल के बच्चे के सामने अगर एक 6 फिट का आदमी आ जाएगा तो वो उसे कैसे गिरा सकता है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब सन क्या है, सन की तो रोशनी पड़ रही है पृथ्वी पे, ठीक है। अब ईरान की हाइट इतनी है, हिमालयस की हाइट इतनी है, जिसकी वजह से क्या है, उसका फ़र्क ईरान पे काफ़ी अच्छा खासा पड़ जा रहा है, सन पूरे ईरान को धूप दे दे रहा है पर हिमालयस को नहीं दे पा रहा, कारण ये है हिमालयस बहुत हाइटेड है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हिमालयस ठंडे होते हैं बर्फीले होते हैं हाइट के कारण। मैं यहाँ पे लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों हैं सेम लैटिट्यूड पर, खड़े सेम लैटिट्यूड पे, पर ऊंचाई किसकी ज़्यादा है, हिमालयस की, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे ठंड ज़्यादा है और ईरान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस इज़ मोर देन ईरान, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, दैट्स वाई दे प्रेजेंटेड दैट्स वाई इवन दे प्रेजेंट एट सेम लैटिट्यूड्स देर इज टू मच वेरिएशन टेम्परेचर, ईरान का टू हॉट हिमालयस का टू कोल्ड। ओके, जैसे आपने देखा होगा फिल्म वगैरह की शूटिंग होती है तो जो टॉप मोस्ट जैसे ऊपर जहाँ पहाड़ों में जाके अगर शूटिंग होती है तो एकदम क्लियर इन्वायरमेंट होता है, ठंड भी वहाँ बहुत होती है।
ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, दो फैक्टर मैंने आपको समझा दिए, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।